ममता बनर्जी के समर्थन पर उतर गए हैं अखिलेश यादव और संजय राउत। अखिलेश यादव तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि हम जो है टीएमसी के लिए कैंपेन करेंगे बंगाल में, और वहीं पर संजय राउत बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो तो शेरनी है, बंगाल की शेरनी है, और इस बार हमारा पूरी तरीके से समर्थन, हम सब जो है वो ममता बनर्जी के साथ है, टीएमसी के साथ है। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? देखिए सिंपल सी एक बात है, आपने एक रैली देखा होगा 2018 में, 23 मई 2018 का एक रैली हुआ था जिसमें पूरा विपक्षी दल, चाहे आम आदमी पार्टी हो, अखिलेश का समाजवादी हो, बिहार से ये आरजेडी हो, तेलंगाना से आपका ये जो था टीआरएस का हो, साउथ से हो गया, एक गठबंधन बन था जिसको मोदी जी ने बोला था महामिलावट। 23 मई 2019 में महामिलावट का भंडाफोड़ हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोधी, देश विरोधी के लिए इतने तत्पर हो चुके हैं कि मोदी विरोधी चाहिए, सिर्फ इनको अपनी देश से लेना देना नहीं है। अगर इनको बात करना है तो बंगाल की एजुकेशन पॉलिसी पर देखो, बंगाल की जो करप्शन चल रही है, रोज वैली, क्या बोलते हैं, शारदा नारदा, चिट फंड, सारा का सारा करप्शन तो वहीं जड़ है, उसके ऊपर बात करते हैं, वो बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बात क्या करेंगे, गठबंधन की बात क्या करेंगे, वंशवाद की, जातिवाद की, हिंदू और मुसलमान की। अब एक सिंपल सी बात है कि आप पब्लिक रैली में ला इल्लाही बोल सकते हो, वो सेकुलरिज्म का महा एकदम, उससे ज़्यादा सेकुलरिज्म है ही नहीं। अगर एक पब्लिक रैली में गवर्नमेंट भी आयोजन करती है तो आम जनता जय श्री राम कहे तो उनको चीड़ मरती है। अगर आप गवर्नमेंट का स्टेज शो कर रहे हो उसमें आप पब्लिकली ला इल्लाही कर रहे हो तो आपके लिए वो सेकुलरिज्म, वो आपकी सारा कहाँ चले जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी मुद्दा उठा रहे हैं पूरा विपक्ष, चाहे वो समाजवादी हो, अखिलेश हो, आम आदमी पार्टी हो, समर्थन देने की कोशिश कर रहा है ममता बनर्जी को, तो वो उनकी जितने भी पॉलिटिक्स थे, एक जातिवादी का, वंशवाद का, वो खत्म हो गया, देश के जनता ने देख चुका है। अच्छा, 2019 की जैसे हमने देखा था, 2019 में सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए थे और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को हराने के लिए उतारू थे, तो हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए और सारे विपक्षी दल चाहते हैं वहाँ पर टीएमसी जीते ना जीते लेकिन बीजेपी ज़रूर हारनी चाहिए। यही तो हुआ, देखा ना आप, सोचिए जरा कि एक टाइम ऐसा था लालू यादव और ममता बनर्जी एक दूसरे का दुश्मन था, संसद का वीडियो उठा के देख लीजिए, लोकसभा राज्यसभा में लालू यादव का जितना भी रेलवे बजट आया, हर रेलवे बजट में विरोध करने वाला मुखर होकर ममता बनर्जी थी। आज वही ममता बनर्जी लालू यादव का शीघ्र लाभ का कामना करते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं, मेरे पिताजी तुल्य है बोल रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं ना राजनीति कहाँ तक जा रहा है। तो मोदी विरोध में ये लोग एक इतना फोर्स तैयार कर रहे हैं कि इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना विकास देखा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगर बंगाल की, ठीक है, तो आप वेस्ट बंगाल की जो साउदर्न बॉर्डर्स है, जैसे हमारा मालदा हो गया, नॉर्थ पैगना हो गया, आपका ये हुगली हो गया, ये सारा का सारा जो ओपन है, आज़ाद भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 से लेकर आज तक की डेट में जो बंगाल की बॉर्डर है, एटलीस्ट जब असम में गवर्नमेंट आई बीजेपी का, और त्रिपुरा में जब बीजेपी का गवर्नमेंट आया, तो अभी त्रिपुरा और असम का लगभग 90% इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर सील हो चुका है। अभी भी 10% है जो सील नहीं है, ओपन है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और उस बारिश के समय में लोग वहाँ से आ रहे हैं, और बंगाल का ओपन है, घुसपैठिया इतने आए जा रहे हैं हमारे देश में, इतने आए जा रहे हैं। आप एक बात बता दो कि जो घुसपैठिया हमारे देश में आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ, हमारे पास खुद जॉब नहीं है, वो क्यों आ रहे हैं, उनको क्यों लेंगे हम? तो घुसपैठिया हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, और ये स्वीकार चुकी है ममता बनर्जी ने स्वयं 2006 में ममता बनर्जी ने राज्यसभा में इस्तीफा दिया था, संसद पे इस्तीफा फेंक कर बोल रही थी कि बांग्लादेशी घुसपैठिया देश के लिए एक आंतरिक खतरा है, ये बोलकर उसने इस्तीफा दिया। वही ममता बनर्जी आज घुसपैठिया को समर्थन दे रहे हैं। 2022 में हमें पता है यूपी में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कैंपेन करने की वेस्ट बंगाल में, तो अपनी सिर्फ और सिर्फ राजनीति क्या इसलिए चमकाई जा रही है कि 2022 में भी उनको किसी ना किसी चीज़ का समर्थन मिल जाए विपक्षी पार्टियों द्वारा या विपक्षी लोगों द्वारा? हाँ जरूर, क्योंकि देखो
उत्तर प्रदेश जहाँ पे 80 लोकसभा सीट है और 403 विधानसभा सीटें हैं, इतने बड़ी सीट राज्यों का, ठीक है, इसने 5 साल अखिलेश यादव, उससे पहले 10 साल उसके पापा ने मुलायम सिंह यादव, जब इतने बड़ी उसका गढ़ है और 2022 में चुनाव है और ये जो किसान आंदोलन चल रहा था जिसको समर्थन दे रहे थे वामपंथी से लेकर TMC RJD तमाम तरीके की पार्टी SP BSP सारे, वो क्यों दे रहे थे? क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये जो राकेश टिकैत है, वेस्टर्न यूपी का एक किसान नेता बोला जाता है, जाट का एक उनका भाव चल रहा है, तो उनको आगे क्यों भेजना चाह रहे हैं? या ये जो कह रहा है कि मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाह रहा हूँ, उसने 3 बार इलेक्शन लड़ चुका है तो वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहेगा, क्या बोल रहे हैं आप? 2022 का आने देखिए, राकेश टिकट चुनाव लड़ेगा, वो भी SP के टिकट में, SP वामपंथी और कांग्रेस की गठबंधन वाली टिकट पर लड़ेगी, तो ये पूरा का पूरा एक चुनावी मुद्दा है। अगर मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल में देखिए कि लगभग 33 साल कम्युनिस्ट ने शासन किया, 20 ईयर्स कांग्रेस ने शासन किया, 10 ईयर्स TMC ने किया, वहाँ पे जो बंगाल का जो करप्शन है, जो गरीबी है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, मुद्दा क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी बाहरी है। एक बात बताओ, मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात की कच्छ के लेकर नागालैंड के कोहिमा तक, मैं किसी भी देश, किसी भी पार्ट में जाकर, कहीं भी जाकर, कहीं भी रह सकता हूँ, तो ये बाहरी अपनी, ये क्या है? अच्छा, TMC की एक और जो चीज़ है वो बहुत फेमस है, हिंदू मुसलमान करवाना, वो वहाँ पर जुलूस तो निकालने देती है मुहर्रम का, लेकिन वहीं पर वो दुर्गा पूजा रुकवा देती हैं, और उसके बाद अभी देखा जा रहा है कि वहाँ पर कथा पंडाल कराए जा रहे हैं, सरस्वती पूजन का बहुत बड़ा आयोजन करवाया जा रहा है, वो भी ममता बनर्जी द्वारा, लोग हैरान है ये देखकर। यही तो फर्क है कि लोग जो ये जो लेफ्टिस है, जो वामपंथी है, जो जिसके हम स्टार्ट करते हैं नक्सलवाड़ी, जो वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से नक्सल शुरुआत हुई थी, तो वो जो बात करते हैं, करनी और कथनी में बहुत फर्क है। उनका करनी क्या कहता है? करनी है कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी हैव राइट टू लीव, फलाना ढिमकाना, इतने बड़े बड़े भाषण देंगे। बट उसी वेस्ट बंगाल में 70% हिंदू है, जिनको रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला जाता, दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं लगाया जाता है। अगर एक सिंपल सी बात है, अगर मैंने एक आयोजन करना है तो मेरा सिंपल कहीं पर करूँगा, अगर ये जगह है दिल्ली का है, अगर यहाँ पर मैं दिल्ली पुलिस से पहले परमिशन लेता हूँ, दिल्ली पुलिस अगर परमिशन नहीं देती है, देन मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मना करता है तो स्टेट हाईकोर्ट जाता हूँ, स्टेट हाईकोर्ट भी मना करती है तब सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर मुस्लिम का कोई मुहर्रम हो, ईद हो, तो उन लोगों को वेस्ट बंगाल पुलिस आसानी से इजाज़त देती है कोई भी फंक्शन करने के लिए, पर जब हिंदू का त्यौहार आता है उनको स्टेट पुलिस क्यों परमिशन नहीं देती है? क्यों कोर्ट हमें जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट, फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट जब लताड़ मारती है तब जाकर उनको करना पड़ता है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारा का सारा उनका कथनी और करनी। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी ये वामपंथी है जो JNU में फ्रीडम ऑफ स्पीच, पता नहीं फलाना ढिमकाना बोलते हैं, इनकी एक हिस्ट्री उठाकर देखिए वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, कि आप वेस्ट बंगाल में खुद जो गवर्नमेंट का राजपत्र आता है, जो गवर्नमेंट का राजपत्र में उसमें खुला में बोला है कि आप मुगल का विरोध नहीं कर सकते हो, ये वेस्ट बंगाल की राजपत्र में ये उसमें लिख रखा है उन्होंने कि यू डोंट हैव एन अथॉरिटी टू डू एनीथिंग अगेंस्ट द मुगल, आप वॉइस नहीं उठा सकते हो। और वही वामपंथी, वही लेफ्टिस्ट JNU में स्पीच देते हैं, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं समझ में नहीं आता किस कौन सी एंगल से बात कर रहे हो आप। ये वही लेफ्टीज है, जब कश्मीर से 300 आर्टिकल 370 हटाया गया तो ये कहते हैं कि पूरा आपने आर्मी भेज दिया और कश्मीर का लोगों से पूछा नहीं, विधानसभा ख़त्म कर दिया और उसके बाद आपने 370 हटाया। तो आपको ये दिक्कत नहीं होती है जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था,
जब आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हुआ था, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश का 2/3 मेजोरिटी नहीं 2/3 मेजोरिटी ने सीधा मना कर दिया कि हमारा प्रदेश का बंटवारा नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी आपने बंटवारा कर दिया। हमने एक और चीज़ देखी, जो भाजपा जो सरकार है, भाजपा सरकार के एक कार्यकर्ता, वेस्ट बंगाल के एक कार्यकर्ता जो TMC से ही आए थे BJP में, उनके कार्यकर्ता की माँ को अभी कुछ दिन पहले TMC के गुंडों ने इतनी बुरी तरीके से मारा, इतना ज़्यादा मारा कि उनकी मरने वाली हालत हो गई उनकी माँ की, व्यक्तिगत तौर पर हमला करा जा रहा है। देखिए, ये जो घटना हुई है वो नॉर्थ बंगाल में हुई, जलपाईगुड़ी कुछ बिहार के आस साइड। जलपाईगुड़ी कुछ बिहार के आस साइड क्या है कि वहाँ पे ममता बनर्जी TMC बहुत धरी हुई है, यानी वहाँ पे उसका वर्चस्व खत्म हो रही है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है। मुस्लिम मेजोरिटी उनका साउथ वेस्ट बंगाल में है, मालदा है, आपका परगना है, हुगली है, नॉर्थ बंगाल में नहीं है। तो वहाँ पे कैसे लोगों को भड़काए ताकि BJP का जो वोट है उसको हम कैसे अट्रैक्ट करें ताकि वो दंगा करें, लोगों को भड़का कर, आगजनी कर, दंगा फसाद कर BJP के खिलाफ बनाकर एक वोट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि आज से जिस 2014 से पहले हम जो स्टूडेंट हैं, एक नॉर्मल विद्यार्थी भी, ठीक है, अगर एक स्कूल में एडमिशन करना चाहता था तो फलाने का साइन लेकर आओ, चिलाना का साइन लेकर आओ, इतने सारे साइंस करवाना पड़ता था और हर जगह करप्शन होती थी। मोदी जी ने बस एक सिग्नेचर की बलबूते ने उन्होंने क्या बोला कि आप, मैं किसका बेटा हूँ, मैं कहाँ पे रहता हूँ, मेरा पापा कौन है, ये कोई और बताएगा, सरकारी बाबू बताए, वो गैजेटेड ऑफिस बताएगा कि ये फलाना का बेटा है, ये चिलाना का बेटा है, वो गांव में रहता है। उस मोदी जी ने सिंपल ये बोला कि सेल्फ अटैच, आप कोई भी डॉक्टर